सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अधिकारियों पर टूट पड़े। अधिकारियों को धमकाने और प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला और रेनोवेशन घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी को हटा दिया, फाइल्स से छेड़छाड़ कर दी गई। एक के बाद एक करके 8 अधिकारियों की शिकायत LG दफ्तर पहुंच गई। माहौल अराजक हो गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर संतुलन बना दिया और फिर केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर फुसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर डाली। अब अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और केंद्र सरकार के अध्यादेश को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असंवैधानिक और इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ BJP का कहना है कि केजरीवाल जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं उसी को तार तार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को BJP ने तमाचा मारा है। दिल्ली वालों को अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। आप छोटी है, देश बड़ा है। ऐसे सरेआम जनतंत्र को कुचलना ठीक नहीं। हम अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देश भर से हमें समर्थन मिल रहा है। BJP के समर्थक भी इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह दिल्ली वालों के बीच जाएंगे और इसके खिलाफ महारैली करेंगे। दूसरी तरफ BJP का ये कहना है अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक से पढ़ा नहीं है। BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल जिस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं उसको तार तार कर रहे हैं। उनके स्वभाव में अराजकता ही आ गई है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे ऊपर LG को बैठा दिया, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है उसी संविधान के तहत LG को भी नियुक्त किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि दिल्ली पर अध्यादेश से संविधान की मूल भावना को बदला नहीं जा सकता है। अपने अनुभव से मैं जानता हूँ कि संसद में ये कानून पारित नहीं हो पाएगा। अगर सिविल सर्विस दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार जनता तक अपना काम कैसे पहुंचाएगी। BJP ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार पर अफसरों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अध्यादेश जरूरी था। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक 8 अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार पर घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कार्यालय ने ये बताया कि इनमें से 2 शिकायतें पहले और 6 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली हैं। सेवा सचिव आशीष मोरे के अलावा मुख्य सचिव नरेश कुमार, विशेष सचिव किन्नी सिंह, YVVJ राजशेखर और बिजली सचिव शुरबीर सिंह ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। राजशेखर केजरीवाल के आवास की रिपेयरिंग मामले की जाँच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस पहले तो नए संसद भवन के निर्माण पर सवाल उठाती रही, भवन का निर्माण रुक जाए इसको लेकर कोशिशें करती रही, लेकिन अब जब संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और PM मोदी इसका उद्घाटन ठीक उसी दिन करने जा रहे हैं जिस दिन वीर सावरकर का जन्म हुआ था, तो राहुल गांधी बेचैन हो गए और संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठाने लगे। वीर सावरकर की जयंती पर देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने हाल ही में उनसे मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने जहां इसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान करार दिया, वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन क्यों करेंगे। राहुल गांधी वर्तमान में संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। गुजरात के एक कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उसकी सदस्यता चली गई। उन्होंने ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील की है। राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2022 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि भारत के संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। उन्होंने कहा था कि संसद की इस नई इमारत से कुछ भी अधिक सुंदर या अधिक शुद्ध नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
कर्नाटक में सिद्धारमैया की ताजपोशी के बाद नीतीश कुमार वापस पटना जाने की जगह सीधा दिल्ली पहुंच गए और चुनाव 2024 से पहले भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में जुट गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अरविंद केजरीवाल के रंग महल में उनसे मिलने गए और विपक्षी एकता के मुद्दे पर बातचीत की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। नीतीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा था, लेकिन केंद्र की ओर से जो किया जा रहा है ये विचित्र बात है। चुनी हुई सरकार को कैसे आप हटा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सब लोग इकट्ठा हों, हम मानते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को क्या रोक दिया जाएगा? हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग हर राज्य में अभियान चलाएं और कानून का पालन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी बात सीएम ने कह दी है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के अधिकार मिले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन देने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब आ गया है तो सब साफ हो गया। जिस तरह से इनको तंग किया जा रहा है ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। मान लीजिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो क्या एलजी ऐसा करते? जितना केजरीवाल जी को तंग करेंगे उतना ये मजबूत होंगे। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे पावर दिल्ली सरकार को दे दी थी। 8 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया और ये जजमेंट 5.0 से आया था, उसे 8 दिन के अंदर पलट दिया गया। नीतीश जी आए थे, उनसे डिटेल्स में चर्चा हुई, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि लड़ेंगे, वो विपक्ष को इकट्ठा करेंगे और अगर सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे तो राज्यसभा में हराया जा सकता है और ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह ममता जी से मिलेंगे, इसके लिए वह कोलकाता जाएंगे, इसके बाद हर दल से मिलेंगे, मैं हर एक नेता से मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद से केजरीवाल सरकार के मंत्री सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने लगे। अध्यादेश से बौखलाए मंत्रियों की जुबान से अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा टाइप बातें निकल रही हैं। नौकरशाही पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री नौकरशाहों और बड़े अधिकारियों को प्रताड़ित करने लगे। इसको लेकर अधिकारियों ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से दिल्ली सरकार और मंत्री सौरभ भारद्वाज की शिकायत की। एक अधिकारी तो इतना परेशान हुआ कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट से गुहार तक लगानी पड़ी कि पंजाब में उनके परिजनों को सुरक्षा दी जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवाओं का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दिया। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात कम से कम 8 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने उनसे कहा कि ऐसे कैसे साइन नहीं करोगे, तेरे को करना ही पड़ेगा, इसके बाद तेरा करियर खत्म, तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रखूंगा। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद प्राप्त हुई थीं। 11 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायतें करने वालों में 5 IAS अधिकारी शामिल हैं। जिन IAS अधिकारियों ने शिकायत की उनमें मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेना सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और सतर्कता के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह हैं। शूरबीर सिंह ने LG कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली पंजाब में अपने परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इन आरोपों को दिल्ली सरकार ने खारिज करते हुए फर्जी बताया और कहा कि ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा, मुख्य मूल्यांकनकर्ता एवं गृह कर विभाग में कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में उप सचिव अमिताभ जोशी भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं। पंजाब के रहने वाले मधुर वर्मा और शूरबीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया था। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर को भी हटा दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच की थी। भारद्वाज ने दावा किया था कि राजशेखर पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे।
इस बीच दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 16 मई 2023 को उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। फर्जी डेटा और झूठे दावे अरविंद केजरीवाल इतना कर चुके हैं कि किसी को उनकी बातों का भरोसा नहीं रहा। इतना ही नहीं, बड़ा सवाल उनकी भाषा पर है, जिसका इस्तेमाल वे दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि उस भाषा को सभ्य और पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के LG अरविंद केजरीवाल के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत गलत सूचना फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करवा सकते हैं, और ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई CM इस वजह से जेल में कुछ वक्त बिताएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पर धावा बोला। उन्होंने कहा, ये केजरीवाल की विफल सरकार है, CM खुद भ्रष्टाचार में इतना फंस गए हैं कि इस देश के इतिहास में पहली बार किसी दिन कोई मुख्यमंत्री 8-10 दिन के लिए जेल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल से दिल्ली में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि समस्या ये है कि केजरीवाल से ज्यादा असभ्य कोई CM नहीं है। आप दिल्ली या LG में किसी से भी पूछें, कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वे खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मार्च में कांग्रेस नेता ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से केजरीवाल के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत कथित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए गलत सूचना फैलाने का मामला दर्ज कराने की मांग की थी। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि CM केजरीवाल ने PWD योजनाओं से संबंधित गलत डेटा साझा कर विज्ञापन जारी किया है, जो सीधे तौर पर IPC की धारा 420 का मामला है। अरविंद केजरीवाल बार बार फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्य में सरकारी पैसे बचाने का दावा करते हैं, फिर वे झूठे विज्ञापन जारी करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल की तरफ से झूठे दावे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साथ मिला। विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल खुद नेताओं से मिलेंगे और संसद में अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई कानून ही पारित नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे नीतीश कुमार पर दया आ रही है। मनोज तिवारी बोले कि जो भी अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को टारगेट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश में टूटी चप्पल पहनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की थी और कई नेताओं को भ्रष्ट बताते थे। उस वक्त केजरीवाल शरद पवार, कपिल सिब्बल, लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला इन सब के खिलाफ थे, लेकिन आज केजरीवाल इन सब से मिल रहे हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा, मैंने 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, लेकिन कभी भी किसी मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार नहीं देखा। 8 बड़े अफसरों ने उपराज्यपाल को लिखकर कहा कि उनको दिल्ली सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है, देश की छवि खराब न हो। इसके अलावा भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने भी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की इस समय हास्यास्पद स्थिति है, सिर्फ 2 करोड़ जनता की नहीं बल्कि यहाँ इंटरनेशनल गतिविधियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली है और देश की छवि खराब न हो, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया है। ऐसे में अगर सांसद इसका राज्यसभा में विरोध करेंगे तो ये बहुत शर्म की बात होगी। पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने सौरभ भारद्वाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया कि अधिकारी मुझे धमका रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हम पर फाइल्स पर साइन करने का दबाव बनाया गया है। शराब नीति की जांच कर रहे अधिकारी राजशेखर तबादले के निशाने पर, अगर घोटाला नहीं हुआ था तो तबादला क्यों किया गया? एक महिला अधिकारी को भी नहीं बख्शा गया, उसे धमकाया गया, जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। क्या CM को नहीं पता कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस पर केंद्र का नियंत्रण है? संसद के राष्ट्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनी हुई सरकार को जो अधिकार अदालत ने दिए हैं उसके खिलाफ केंद्र अगर गैर कानूनी काम करती है
दिल्ली में हुई इस मुलाकात में नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव भी शामिल रहे और इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान कर रही है। नीतीश कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी G7 की मीटिंग में शामिल होने जापान गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां आए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की। जिन लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें आमंत्रित सदस्य यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल हैं। और इसको इस बात को लेकर केजरीवाल सरकार के बौखलाए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सौरभ भारद्वाज की क्लास लगा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके साथ आए शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं। मैं इसे राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए मानवता का मुद्दा है ये। इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया और लिखा, क्या प्रधानमंत्री को ये भी नहीं बताया गया कि यूक्रेन की भाषा हिंदी नहीं है? ये वीडियो सिर्फ भक्तों को बेवकूफ बनाने के काम आ सकता है। सौरभ भारद्वाज के इतना लिखते ही लोगों ने उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उन्हें प्रोटोकॉल समझाने का सुझाव दिया तो कई लोगों ने कहा कि उन्हें पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। एक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि ये यूक्रेन नहीं जापान है और मोदी जी हर देश में हिंदी ही बोलते हैं और जो दूसरे देशों से लोग होते हैं उनके साथ उनके अनुवादक होते हैं जो उन्हें उन्हीं की भाषा में अनुवाद करके बता देते हैं। विधायक बन गए हो और जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, अगली बार गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मंत्री बन गया है ये चोर, इसको सिर्फ बकबक करना आता है। कुछ लड़के रखे हैं जो ठेकेदारों से रेड़ी पटरी वालों से वसूली करते हैं। शराब माफिया अमरजीत लांबा को अपना बड़ा भाई मानता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये अनपढ़ पेचकस बाबू दिल्ली का मंत्री है, कैसे कैसे नमूने हैं। आदरणीय लोकनायक के पास असल में सौरभ भारद्वाज पर सतर्कता विभाग के विशेष सचिव के कमरे से शराब घोटाला और रिनोवेशन घोटाला की जांच से जुड़ी फाइल्स में छेड़छाड़ करवाने का आरोप है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें पेचकस बाबू कहते हैं। एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि सरजी प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ द्विभाषीय ऐसे दौरों पर मनरेगा के तहत नहर खोदने के लिए नहीं जाते। एक यूजर ने लिखा कि भारद्वाज जी अभी ताजे ताजे बेवकूफ हुए हो या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आम आदमी पार्टी की सदस्यता का? हर देश वहाँ अपनी राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल करता है और सुनने वाले ट्रांसलेटर्स का। हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा पर गर्व होना चाहिए, न कि हास्य का पात्र बनना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, भाई साहब आप अपनी नमाज पे ध्यान दो, भक्ति में क्यों पढ़ते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।